जब हम किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं, किसी बड़े ओहदे पर होते हैं, तो अक्सर हम सभी को एक भ्रम होता है। हमको लगता है कि वो जो लोग जुड़ रहे हैं ना हमसे, वो शायद मेरी कैपेबिलिटी की वजह से जुड़ रहे हैं, और वो जो सम्मान मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है। पर सत्य यह है कि वो जो पोस्ट है उसके लिए वो उनकी इज्जत है, एक तरह का रेस्पेक्ट है, आपके लिए नहीं है। और आप कौन हो वो आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, आपका चरित्र है। तो अगर अटैच होना है तो इससे होइए। और अगर कोई आपसे आपके व्यक्तित्व की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपके चरित्र की वजह से आपसे जुड़ता है, तो फिर वो आपके साथ रहेगा। हाँ, एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी पोजिशन आपको एक एटमॉस्फेयर जरूर देती है कि बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हो, कहीं ना कहीं उसका एक एज जरूर है, वो जरूरी भी है, पर उससे इतने अटैच मत हो। इसकी वजह अगर आप अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, अपने चरित्र से अटैच होते हो, उसको निखारते हो, तो जो पोस्ट पोजिशन है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको लाइफ में। इसी के साथ बढ़ते हैं तुला के लिए, फरवरी का जो राशिफल है वो। इसमें हम जानेंगे आपका करियर, आपका जॉब, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका प्रेम, आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, शादी विवाह, सभी के बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं ग्रह कहाँ पर बैठे, उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे, फिर कुछ रेमेडी हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है तो उसको भी ध्यान में देंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और पहले भाव में बैठा है आपके केतु ग्रह, जो गणेश जी से जुड़ा हुआ है। चौथे भाव में आप देख सकते हो मकर राशि में बुध, पहले भाव में तुला में, क्योंकि तुला ही राशि है तो तुला ही होगा पहले भाव में। तुला लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी गलत नहीं होगा, पर राशि के लिए मेनली है। इसके बाद सूर्य जो है वो पंचम भाव में आ रहे हैं, कब, 13 तारीख के बाद। 13 से पहले वो आपके चतुर्थ भाव में मकर में रहेंगे, और 13 को फिर पंचम में कुंभ में आ जाएंगे, और कुंभ में ही आपके शनि गोचर कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि शनि पंचम में आए हैं, ढाई आपकी खत्म हुई है। वैसे पंचम में भी कभी कभी पनौती बोल देते हैं, पहले वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पर मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव है कि पनौती जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती है अगर गुरु का गोचर सही चल रहा हो, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह बेटर हो, खास करके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है कि चौथा भाव काल पुरुष का चंद्रमा है, तो चंद्रमा को जितना शनि पीड़ित करते हैं उतने सूर्य को नहीं कर पाते। हालांकि सूर्य शनि हो तो बाहरी जो दुनिया है उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं बॉस के साथ, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं सूर्य में आपको सक्सेस भी मिलती रहती है, पर चंद्रमा के साथ विषयोग बनता है उस तरह से, तो पनौती इज बेटर। तो और इसमें एक बात और भी हो रही है कि शनि अपनी राशि में है, तो यहाँ पर ये छत्र योग भी बना रहे हैं। इसके बाद देखिए छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं अपनी राशि में, जो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग है, और शुक्र भी यहाँ पर आकर उच्च के हो रहे हैं, लग्नेश छठे में जाके उच्च का हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे छठे भाव में गोचर गुरु और शुक्र का दोनों का ही बहुत पॉजिटिव नहीं माना गया, पर यहाँ एक्सेप्शन है, उनके ऊपर आएंगे। राहु की बात करें तो राहु सप्तम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल जो है अष्टम में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके। अब मंगल जो है वक्री नहीं रहे हैं, अब मंगल मार्गी हो चुके हैं, इसी तरह से बुध भी मार्गी हो चुके हैं। इन दोनों का मार्गी होना अच्छा है, अब थोड़ा कार्य में स्पीड आएगी, जो काम आपके कुछ रुक रहे थे वो होंगे, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी वो भी अब थोड़ा बेटर होने का चांसेज है बुध की वजह से। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। देखिए सबसे बड़ा परिवर्तन, शुक्र आएंगे यहाँ पर छठे भाव में, उच्च के हो जाएंगे, कब, 14 तारीख के बाद गुरु शुक्र साथ में बैठेंगे, तो छठे भाव से संबंधित कुछ शुभ चीज़ें होंगी। छठा भाव जॉब का भी या काम का भी, काम लग सकता है, जॉब लग सकती है, नौकरी मिल सकती है आपको। आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हैं, ज्ञान से सुलझा सकते हैं, क्रिएटिविटी से, खूबसूरती से, आर्ट से, डिजाइनिंग से संबंधित किसी काम में आपकी रुचि है। एडवाइस गुरु का जो काम होता है, जो टीचर आप कहीं काम करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ आप काम करते हैं ऑलरेडी, तब भी अच्छा है। विदेश के भाव पर दृष्टि आ रही है, फॉरेन लैंड, विदेश आदि में आप जाना चाहते थे, आपने कोई अप्लाई कर रखा था, उस चक्कर के लिए भी ये बढ़िया है कि मतलब चांसेज है आपको बाहर ले जाने का, विदेश ले जाने का। पर तृतीय भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आएगा तो ऐसा भी है कि भाई कुछ प्रयास आपके विफल भी होंगे, तैयार रहिएगा इस बात के लिए। कई बार हम लोग ना कहते हैं यार मैंने तो बहुत मेहनत की रिजल्ट नहीं आया। होता है लाइफ में, मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं आता, पर एक्सपीरियंस आता है। पर जब दूसरी जगह मेहनत करते तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आता है।
तो ऐसा मत करो कि भाई मेहनत की रिजल्ट नहीं आया तो अब क्या कर सकते, फिर करो और ट्राई करो, एक चीज़ ट्राई करो, दूसरी चीज़ ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो, कुछ तो होगा, होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। बोलते हैं कि लोग समय का इंतजार करते हैं कि भैया अच्छा समय आएगा तो कुछ होगा, पर सच उल्टा है, जो समय का अच्छा इस्तेमाल करता है उसी का समय आता है। हाँ, आज नहीं तो कल आता है, कल नहीं तो परसों आता है। तो बहुत ज़्यादा समय का इंतजार मत कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। आज मैं कल से कितना बेहतर हूँ, मेरी आदतों में, मेरे चरित्र में, मेरी कैपेबिलिटीज़ में, अपने गोल के लिए मैं किस तरह से क्या प्लान बना रहा हूँ, उस पर कितना चल भी रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ ज्योतिषी के पास जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि गोल मेरे पास खुद आ जाएगा। गलत फहमी में हो आप, गोल की तरफ आपको ही जाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ये आ गया, कहीं ना कहीं करियर की बात हो गई एक तरह से, कि जॉब वगैरह के लिए तो बढ़िया है, पर यहाँ पर गुरु छठे भाव में आने तो पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, बच्चों का हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा, पति पत्नी के बीच में भी, क्योंकि शुक्र उसके कारक है ना, प्रेम के कारक हैं, वहाँ थोड़ा मतभेद रह सकता है। शादी विवाह की लाइफ के लिए भी नॉट द बेस्ट, एक तो राहु आ गए सप्तम में, ऊपर से शुक्र भी यहाँ पर चले गए, हालांकि उच्च के हो रहे हैं पर उसके बावजूद भी छठे भाव में स्त्रियों से प्रेम बना के रखना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनके साथ कोई बात होती है तो उसको सुलझाना है, और पार्टनरशिप में किसी भी तरह की, चाहे वो आपकी प्राइवेट, मतलब आपकी पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो, या फिर आपका बिजनेस, वहाँ पर शक के वजह पर, किसी दूसरे के कहने पर कोई ऐसी गलत ओपिनियन नहीं बना लेनी है जब तक पूरी बात पता ना हो, क्योंकि राहु ना धुएं की तरह होते हैं, जो होता नहीं है वो दिखा देते हैं, माया भ्रम, और फिर वहाँ आपस में लड़ाई हो जाती है, फालतू में पता लगा वो बात थी कुछ, आपने सुनी कुछ, दूसरे ने कही कुछ, आपने समझी कुछ, और पूरी तरह आपने क्लियरेंस नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं किया, बात बिगड़ गई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका शादी विवाह, उसके लिए भी प्रेम की बात करें तो प्रेम के लिए भी देखिए आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा, नॉट द बेस्ट समय। हाँ, ये जरूर है, अगर आप रेस्पॉन्सिबल रहे, आपने प्रयास किया, आपने, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आया, आपको ऐसा लग सकता है यार थोड़ा ना, क्या कह सकते हैं, ड्राइनेस, कि भाई काम ही काम है इस रिश्ते में, तो बहुत ज़्यादा आनंद तो नहीं आ रहा, पर अगर आप उसकी तरफ रेस्पॉन्सिबल हो गए और करोगे तो फिर उससे आपको आनंद भी मिलेगा और आपको लाभ भी मिल सकता है फिर उस रिश्ते में, उस प्रेम में। आपको इस तरह के योग यहाँ पे बने हुए हैं। अगर माताएं बहनें गर्भवती हैं तो उनको अपने गर्भ का ख्याल रखना चाहिए, कुछ उतार चढ़ाव, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि पंचम भाव में चल रहे हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप अवश्य करें अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो शनि है, और शनि किसके भक्त हैं पता है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो, तो भगवान कृष्ण का जो संतान गोपाल मंत्र है, अगर ऐसे में साढ़े साथी चल रही है आपकी और आप प्रेग्नेंट हो, आपकी दहिया चल रही है आप प्रेग्नेंट हो, आपकी पनौती चल रही है आप प्रेग्नेंट है, तो संतान गोपाल मंत्र बहुत बेस्ट है, उसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद प्रेम का हो गया, शादी का हो गया, कार्य का हो गया, बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी होगा कि मतभेद रह सकते हैं आपके, और बिजनेस के मामले में नॉट द बेस्ट मंथ, थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। हाँ, धन लाभ हो सकता है, सडन गेन हो सकते हैं, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ उम्मीद कर रहे थे वहाँ से तो आया नहीं, दूसरी जगह से आ गया, इस तरह का कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको। मैरिज लाइफ में आपको ध्यान रखना है, क्यों रखना है, देखिए सप्तम भाव में राहु हैं, अष्टम में मंगल हैं, लग्न में केतु हैं, ये सप्तम भाव शादी का है, शादी के बाद की लाइफ का है, सास ससुर का भी है, और सप्तमेश अपने से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, मतलब जो आपका स्पाउस है, पार्टनर है, वो धन के लिए तो प्रयास करेगा पर वहाँ पे मंगल बैठे हैं, उसको एफर्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा, और खुद अष्टम भाव में आ रहा है तो थोड़ा सा, जो इसको मांगलिक भी बोलते हैं ना, अगर मंगल लग्न में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, बारह में हो, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन रहता है। मंगल की यहाँ से दृष्टियां भी आप देखोगे तो एक दो तीन चार ग्यारहवें भाव पर आएगी, द्वितीय भाव पर आएगी और तृतीय भाव पर आएगी। द्वितीय भाव का आपकी वाणी को कटु कर सकती है, आपके परिवार में भी थोड़े उतार चढ़ाव रख सकती है, ग्यारहवें भाव से आपके सीनियर से थोड़ा मतभेद कर सकती है, पर आपको लाभ भी करा सकती है यहाँ पर। लाभ क्यों करा सकती है, कि सप्तमेश की दृष्टि है ना, सप्तमेश की दृष्टि अगर एकादश पे पड़ रही है तो आपके स्पाउस को लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप से लाभ तो हो सकता है पर बना के रखना बड़ा मुश्किल होगा, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। ये वाला एस्पेक्ट आ गया आपका, पढ़ाई लिखाई का हो गया। धन की बात करें, धन के मामले में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, हालांकि आपको लाभ होगा कहीं ना कहीं से।
स्वास्थ्य की तो बात करी नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा इसलिए क्योंकि लग्नेश उच्च के हो रहे हैं और एक शुभ ग्रह के सानिध्य में है, तो बहुत बढ़िया बात है। पर चूंकि छठे ग्रह में है, छठे भाव में है, नॉट द बेस्ट हाउस, और लग्न में ही केतु बैठे हैं, तो कह नहीं सकते भाई। पीठ का थोड़ा ख्याल रखना है, कमर का थोड़ा ख्याल रखना है, नज़र वगैरह ऐसे लग जाती है जब केतु लग्न में होते हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि को ले जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ठीक ठीक है। मैं कहूँगा गणेश जी की पूजा जरूर करो। मछलियाँ हो गई, आप उनको कुछ दाना वगैरह डाल सकते हो, आटे की गोली वगैरह डाल सकते हो, ध्वजा दान वगैरह कर सकते हो, ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हो। केतु क्योंकि लग्न में चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी दशा महादशा है तब तो बिल्कुल। तो ये भी हो गया। बुध की अगर हम बात कर ले, भाग्य कैसा रहेगा, बुध भाग्य को दिखा रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं, तो फॉरेन ट्रेवल्स हो सकती हैं। भाग्य आपकी माता के लिए अच्छा है, आपको जमीन जायदाद से कोई फायदा हो सकता है क्योंकि चौथे भाव में दिखा रहा है, भाग्य आ रहा है चौथे भाव से। बंधुओं से कुछ लाभ हो सकता है आपको, इस चीज को दिखा रहा है। फॉरेन ट्रेवल हो सकती है, माता के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, माता और बंधुओं की लाइफ में यात्रा आ सकती है, आपको उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, इनमें से कुछ होंगी, कौन सी होंगी, जो आपके चार्ट से कहीं मैच कर जाएंगी। डेस्टिनी तो आपके जन्म पत्री में है ना, ये तो करोड़ों लोगों का है, पर यहाँ जो प्रोबेबिलिटीज है उनमें से कुछ ना कुछ होने की संभावना यहाँ पे बनेगी आपके चार्ट के अनुसार। इसमें भी देश काल पत्र, अब जैसे शादी की बात की, अब छोटा बच्चा है तो उसकी थोड़ी ना शादी हो जाएगी, ये शादी में लड़ाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। उसमें यही रहेगा कि दोस्तों में फ्रेंड्स में थोड़ी अनबन रहे, इस तरह का चांसेस बनेगा। इस तरह से देश काल पत्र के अनुसार भी यूज होगा आपका। तो सारे ग्रह हो गए, अब पड़ जाए, अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। पर उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, और आपका जो अनुभव है, आप कोई सुधार चाहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा कर सकते हैं, समय नहीं है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि समय कभी वापस आता नहीं है, उसको अच्छी तरह से उपयोग कीजिए और अपने समय को अपने लिए उपयोग कीजिए जहाँ तक हो सकता है। देखिए सूर्य भी 24 घंटे नहीं चमकता है। अगर 24 घंटे सूर्य चमकेगा तो सूर्य को ही हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा कम कर देंगे। वो भी दिन में ही चमकता है, रात में फिर चंद्रमा चमकते हैं, तभी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है भी। कहने का मतलब है अपने आप को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, प्रेम है, हैप्पीनेस है, तभी वो आपको दे पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। एक दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी दे सकता है जहाँ तक है, ये भी याद रखना चाहिए, ये बात भी समझने की है आपको। इसके बाद देखिए त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। 18 तारीख का बहुत ही महत्वपूर्ण, साल में एक बार आने वाली भगवान शिव की महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 5 तारीख की माघ पूर्णिमा है, 1 तारीख की जया एकादशी, 16 तारीख की विजया एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम नमो नारायण है। 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 9 तारीख की संकष्टि है, 20 तारीख की फाल्गुन अमावस्या है, और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। संक्रांति अमावस्या, संक्रांति सूर्य अपना राशि बदलते हैं, आत्मा सुपरमात्मा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ। इस दिन दान पुण्य करना, किसी जप की शुरुआत करना संक्रांति के लिए अच्छा रहता है। अमावस्या में पितरों को याद करना, मौन व्रत करना, अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना, घर की साफ सफाई करने के लिए शुभ दिन होता है ये, उन चीज़ों के लिए, मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या पूर्णिमा शुभ कहे गए हैं। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कमेंट ज़रूर करें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।